हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, डेली करंट अफेयर्स जीके आपका सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज 30 जनवरी 2019 की हम बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक, जीआरई, नेट, रेलवे इत्यादि एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्वीज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेज उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिंस इनिशिएटिव सेइंग इट विल गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग ओडिशाज 2.25 करोड़ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंट। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्ज्वला स्वच्छता नैपकिन पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि यह ओडिशा की 2.25 करोड़ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। कतर हैज विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी। द कंट्री हैड सेंट एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू द ओपीईसी एक्सप्रेसिंग इट विश टू पुल आउट एंड टू फोकस ऑन इट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड इन दिसंबर। कतर ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। देश ने ओपेक को एक आधिकारिक अधिसूचना भेजकर दिसंबर में अपनी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त की है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल ऑफिशियली क्विट द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को विद द क्लोज ऑफ 2018। द कंट्रीज हैड अराउंड अनाउंस्ड दियर डिसीजन इन 2017 ऑफ विदड्रोइंग फ्रॉम एजेंसी एक्यूजिंग इट ऑफ बायस अगेंस्ट इजराइल। 2018 की समाप्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को छोड़ दिया है। देशों ने 2017 में इजराइल के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए एजेंसी से हटने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ब्रूनो ली मेर री अनाउंस्ड दैट फ्रांस विल इंट्रोड्यूस इट्स ओवन टैक्स ऑन लार्ज इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज फ्रॉम January 1st। फ्रांस हैज बीन पसिंग हार्ड फॉर ए न्यू सो कॉल्ड गाफा टैक्स नेम्ड आफ्टर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजन टू एंश्योर द ग्लोबल जियांट पे ए फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस ऑन दियर मैसिव बिजनेस ऑपरेशन इन यूरोप। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ने मायरे ने घोषणा की कि फ्रांस 1 जनवरी से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा। फ्रांस एक नए तथाकथित गाफा टैक्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है जो कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के नाम पर रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्विक दिग्गज अपने यूरोप में बड़े पैमाने पर व्यापार कार्यों पर करों का उचित हिस्सा भुगतान करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट नियुक्ति। एक्सिस बैंक अनाउंस्ड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ शिखा शर्मा हैज रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट एंड अमिताभ चौधरी विल बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम January 1st, 2019। एक्सिस बैंक ने अपनी प्रबंध निदेशक और सीईओ शिखा शर्मा को पद से सेवानिवृत्त करने की घोषणा की और अमिताभ चौधरी 1 जनवरी 2019 से बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पद ग्रहण करेंगे।
नेक्स्ट, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे वीके यादव हैज बीन अपॉइंटेड द नेशनल ट्रांसपोर्टर्स सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। महाप्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे वीके यादव को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर का सबसे वरिष्ठ नौकरशाह नियुक्त किया गया है। यादव इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के 1900 बैच के हैं। नेक्स्ट, जेयर बोल्सोनारो वाज स्वर्न इन एज ब्राजील्स प्रेसिडेंट इन ए सेरेमनी एट ब्राजील्स नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग। ब्राजील की नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग में एक समारोह में जेयर बोल्सोनारो को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार की। अलाहाबाद बैंक एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस केम टुगेदर एंड साइंड ए बैंक एश्योरेंस पैक टू ऑफर ए होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन टू कंज्यूमर्स। इलाहाबाद बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक साथ आकर उपभोक्ताओं के लिए समग्र वित्तीय नियोजन समाधान की पेशकश करने के लिए एक बैंक इंश्योरेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अलाउड पेटीएम पेमेंट बैंक टू रिस्टार्ट ओपनिंग न्यू अकाउंट्स फॉर इट्स कंज्यूमर्स आफ्टर ऑलमोस्ट 6 मंथ ऑफ द बैन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को प्रतिबंध के लगभग 6 महीने बाद अपने उपभोक्ताओं के लिए नए खाते खोलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट्स इन इट्स ग्रोथ आउटलुक फॉर 2019 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई स्टेट्स दैट द जीडीपी ग्रोथ विल बी इन द रेंज ऑफ 7.5% इन 2019 के लिए अपने ग्रोथ आउटलुक में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि 2019 में 7.5% की सीमा में होगी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज स्पोर्ट्स समाचार खेल समाचार। द 25-year-old फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बिकम द हाइएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर अक्रॉस फॉर्मेट्स इन 2018। He took a total of 78 wickets in the calendar year. 25 वर्षीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2018 में प्रारूप में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने कैलेंडर वर्ष में कुल 78 विकेट लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी करंट अफेयर्स है और सभी करंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें और साथ ही साथ यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमें अनअकैडमी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।